भिलाई सेक्टर 6 में छत्तीसगढ़ स्टेट चेस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें 7, 9, 11 और 13 वर्ष के लगभग 200 बच्चों ने हिस्सा लिया। यहां चयनित होने के बाद राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में ये बच्चे हिस्सा ले सकेंगे। चैंपियनशिप के बारे में जानकारी आयोजनकर्ता ने कुछ इस प्रकार से दी। छत्तीसगढ़ राज्य के अंडर 7, 9, 11 और 13 इस 4 एज ग्रुप से बालक और बालिकाओं का सिलेक्शन करने के लिए 21 अगस्त से 24 अगस्त तक ये प्रतियोगिता यहाँ अग्रसेन भवन सेक्टर 6 में आयोजित की गई। यहाँ जो बच्चे फर्स्ट सेकंड पोजीशन लाएंगे, ऐसे 8 बच्चे राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो कि कलकत्ता, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में होने वाली है, उसमें छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस बार बहुत उत्साहजनक रहा, लगभग 225 प्रतिभागियों ने बस्तर संभाग से सरगुजा संभाग तक के सभी खिलाड़ियों ने इसमें शिरकत की और ये एक उत्साहजनक संकेत है। सबसे कम उम्र का एक 3.5 वर्ष का बालक भी इस प्रतियोगिता में सम्मिलित हुआ, तो इससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। और इस आयोजन के लिए मैं अग्रसेन जन कल्याण समिति और अग्रसेन महिला समाज और दुर्ग जिला सत्रन संघ का विशेष रूप से आभार। सर, ये छत्तीसगढ़ स्टेट सिलेक्शन ट्रायल था जिसमें अंडर 7, अंडर 9, अंडर 11 एवं अंडर 13 की प्रतियोगिताएं हुई हैं। यहाँ पे जो दो दो बच्चे हर ग्रुप से सेलेक्ट हुए हैं वो अपने छत्तीसगढ़ को इंडिया में रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत ही शानदार प्रतियोगिता हुई। पहली बार ऐसा हुआ कि 225 से ज़्यादा प्लेयर्स यहाँ पे आए हैं। इसके पहले इतनी ज़्यादा एंट्री कभी नहीं रही है और 22 तारीख से 24 तारीख तक यह प्रतियोगिताएं चल रही हैं। मैं किरण अग्रवाल हूँ, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी। मैंने 2 बार इंडिया को ओलंपियाड में रिप्रेजेंट किया है जो कि चेस का सबसे बड़ा इवेंट होता है। और अभी पिछले साल मैंने कॉमनवेल्थ चेस चैम्पियनशिप जो कि श्रीलंका में हुई थी उसमें मैं एज ए कोच इंडियन टीम के साथ गई थी। अगले महीने मैं मैक्सिको में वर्ल्ड कप अंडर जूनियर ग्रुप का हो रहा है उसमें मैं एज ए कोच जाने वाली हूँ। अनुभव बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पे जो अरेंजमेंट किया गया है बहुत अच्छा किया गया है और बच्चे जो यहाँ पे आते हैं तब अपने स्कूल से उस दिन वो लीव लेके आते हैं और लीव लेके आके यहाँ पे चैंपियनशिप खेलते हैं। सुबह से शाम इस माहौल में रहते हैं तो एक जो एनवायरनमेंट होता है उसको सूदिंग होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो एग्जर्शन में चले जाते हैं। तो वैसा एनवायरनमेंट, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट इन्होंने अरेंज किया था और प्लीजेंट एनवायरनमेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि जो बच्चे चेस खेलते हैं इसमें माइंड का तो शार्पनेस होता ही है लेकिन डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी आपको स्ट्रैटेजीज कैसी होनी चाहिए ये भी चेस से हम सीखते हैं। मेरा बेटा त्रिमान मेरा फर्स्ट टाइम खेल रहा है, पिछले 6 महीने से ये प्रैक्टिस कर रहा है। इसने 2 अंक लेके आए हैं आउट ऑफ 6। दिस इज़ द स्टार्ट एंड मे बी ही विल स्कोर बेटर इन द फ्यूचर। दुर्ग डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन के द्वारा जो ये कार्यक्रम किया गया है वो बहुत अभूतपूर्व है और राज्य शतरंज संघ जो है हमेशा इस प्रकार के आयोजन हर एक प्रदेश के हर शहरों में करता है और वहाँ की चेस एसोसिएशन जो है उसको बहुत अच्छी तरह से संपादित करती है। इसमें बच्चों को अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए अपनी शिक्षा के साथ साथ उनको अपना विकास करने का जो एक अवसर मिलता है उससे अच्छा अवसर इनको कहीं नहीं मिलेगा जो चेस के माध्यम से उनका विकास हो रहा है। परिचय, मैं धर्मचंद।